आज हम बनाएंगे वायरल वाली दाल की रेसिपी। पर अक्सर इसे कुकर में बनाया जाता है, पर मैं आज इसे मिट्टी की हंडी में बनाऊंगी और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, आप सिर्फ नॉर्मल चावल के साथ में भी बिना किसी सब्जी के भी खा सकते हैं और चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। पर मैं बिल्कुल सिंपल सी साली तैयार करके आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर दाल में मैं ली हूँ चने की दाल, तूर की दाल, मूँग की दाल और मसूर की दाल। इस तरह मैं दाल को मिक्स करके घर में नॉर्मल यूज करती हूँ। यहाँ पे आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप दाल ले लें और इसमें अब हम पानी डाल के इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज की हुई मिट्टी की हंडी का ही यूज कर रही हूँ, ये नई हंडी नहीं है, इससे पहले भी मैं ये हंडी का यूज की हूँ। तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल को। साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लौकी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास में है तो इसे डाल दें जिससे दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी जगह आप चाहे तो तुरई का भी यूज कर सकते हैं। साथ में ही लेंगे एक टमाटर जिसे बारीक चॉप करके ले लेंगे और एक प्याज, ये छोटी वाली प्याज है, मैं एक ही ले रही हूँ। साथ में ही लेंगे थोड़े से लहसुन के पीसेस और 2 हरी मिर्च। तो लहसुन को जो हम पहले मिक्सी में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी को हम निकाल लेंगे जिसे हम बाद में तड़के में यूज करेंगे। उसके बाद इसी में मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च को और इसे फिर से इसी तरह एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे जिससे हमारा लहसुन और हरी मिर्च जो है इस तरह परफेक्ट दरदरा कूट के तैयार हो जाता है बिना मेहनत के ही। अक्सर इस दाल को कुकर में बनाया जाता है जिससे ये 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, पर मिट्टी की हंडी का टेस्ट ही अलग है। तो अगर मिट्टी की हंडी हो तो आप उसमें ज़रूर बनाएं और उसका टेस्ट जो है आपको कैसा लगा बताएं। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें अब हम पानी डाल देंगे। दाल जल्दी पक जाए उसके लिए यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल और नमक से जो है दाल बहुत जल्दी पक जाता है। तो अब हम इसे पहले कुछ मिनट के लिए यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई करके इसमें एक उबाल आने देंगे। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को फिर से लो कर देंगे और इसे अब हम ढक देंगे। तो यहाँ पे आज मैं शिमला और आलू की भुजिया बना रही हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बड़े आलू को मैं लंबे काटी हूँ, साथ में 2 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और 1 टमाटर, सबको लंबे स्लाइसेस में कट करेंगे और लेंगे 2 चम्मच तेल। और इसमें अब हम पहले प्याज और हरी मिर्च को डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसे आप सिंपल सी नॉर्मल पराठे के साथ या रोटी के साथ में भी खाएंगे, आलू शिमला मिर्च की भुजिया तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ प्याज को इतना ही भुनना, इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है क्योंकि आलू और शिमला मिर्च के साथ प्याज जो है अच्छे से भुन जाएगी। यहाँ हमें बहुत मसाले का यूज नहीं करना है, तो डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भुजिया जो है आपके सिर्फ 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, सिर्फ आलू का पकने का ही टाइम लगता है। साथ में मैं यहाँ पे चावल को पहले से ही भिगो के रख दी थी, तो अब इसे भी हम गैस के ऊपर में बैठा देते हैं जिससे चावल भी हमारा एक साथ पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुजिया, भात और दाल सब एक साथ ही पक रहा है। तो थोड़ी देर बाद फिर से ढक्कन निकालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से ढक देंगे। इसी तरह 1 से 2 बार इस तरह ढक्कन निकाले के मिक्स करेंगे तो आपकी भुजिया जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आलू भी जो है अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम घर की बनी हुई गरम मसाला जिससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप जाके ज़रूर देखें और ट्राई करें। थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता, ये ऑप्शनल है, पर कटी हुई बची थी तो मैं इसे भी यहाँ पर यूज कर ले रही हूँ। तब हम इसे फिर से ढक के 1 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे गरम मसाला की खुशबू जो है सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और भुजिए को 1 मिनट के लिए इसी तरह कंटिन्यू भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भुजिया जो है बन के तैयार हो चुकी है।
यहाँ पे चावल में भी उबाल आ चुका है। अब हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं रोटी के लिए। आप चाहे तो पराठे या पूड़ी भी बना सकते हैं, पर मैं सिंपल सी रोटी बना के तवा रोटी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आटा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ 4 से 5 रोटी के लिए ही आटा ली हूँ। साथ में लेंगे थोड़ा सूखा आटा, जिसे हम जब रोटी को बेलेंगे उसमें यूज होगा। चावल को चेक कर लेते हैं। तो यह चावल जो है परफेक्ट पक चुका है, तो इसका हम एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। साथ में ही चेक कर लेते हैं दाल को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल जो है अभी तक पकी नहीं है, तो इसे और पकने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। इसे अब हम फिर से ढक देंगे और तब तक हम रोटी बना लेते हैं। सिंपल जिस तरह सूखे आटे लगा कर रोटी बेली जाती है, उसी तरह हम बेल लेंगे और साथ में ही रोटी को सेक भी लेंगे। इससे पहले भी 2-3 थाली की वीडियो जो है मैं आपके साथ में शेयर की हूँ, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें और ट्राई करें। बिल्कुल सिंपल तरीका से कैसे आप बहुत ही अच्छी थाली बना के तैयार कर सकते हैं और जल्दी, सारी टिप्स जो है मैं पहले भी शेयर की हूँ, तब जाके देखें और ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको थाली की रेसिपी जो है कैसी लगी। तो अब हम रोटी को सेक लेते हैं। इसी तरह बाकी सारी रोटियों को जो है बना के हम तैयार कर लेंगे और बाद में जो है दाल भी अपना चेक कर लेते हैं। तो अब हम दाल को चेक करते हैं। मिट्टी की हंडी में बनी हुई कोई सी भी खाना जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि मिट्टी की जो है सौंधी सौंधी खुशबू जो है खाने को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देती है। तो यह दाल जो है अच्छे से पक चुका है। अगर आपको दाल जो है पतली खाना है, यानी कि इस तरह गोटे गोटे नहीं, तो आप जो दाल की मथनी होती है उसे इसे अच्छे से मथ सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे धनिया के पत्ते और साथ में ही घर में जो बनी हुई गरम मसाला थी उसे भी हम आधा चम्मच डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दाल जो है बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पैन में ली हूँ तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों। जब सरसों अच्छे से पक जाए तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ में 1 सूखी लाल मिर्च जिसे हम इस तरह तोड़ के डाल देंगे, थोड़ा सा हींग और जो हमने लहसुन को दरदरा कूट के रखा हुआ था उसे भी हम यहाँ डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अब हम डाल देंगे दाल में। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सिंपल सा तड़के वाली दाल जो है बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिखने में टेस्टी लग रहा है और खाने में सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब लास्ट में हम थोड़े से पापड़ फ्राई कर लेते हैं, ऑप्शनल है पर अगर है तो इसे आप फ्राई कर सकते हैं, जिसे थाली जो है दिखने में और भी ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है और उसे आप किसी को भी सर्व करेंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा।
आज थाली को हम थोड़े डिफरेंट तरीके से सर्व करेंगे। तो एक बड़े से बाउल में छोटे से बाउल को डाल देंगे और उसके चारों तरफ भात को अच्छे से लेयरिंग कर देंगे। इस तरह अच्छे से बिल्कुल सेट करना है। और यहाँ पे मैं जिस थाली में सर्व करूँगी उसी में इस तरह पलट ले रही हूँ। आप इस दाल को सिंपल से चावल के साथ में भी खा सकते हैं या रोटी के साथ में भी, बिल्कुल भी आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं एक्स्ट्रा दाल सर्व कर रही हूँ रोटी के लिए, साथ में ये हमारा आलू शिमला मिर्च का भुजिया, पापड़, रोटी और साथ में थोड़े से प्याज और खीरे का सलाद को मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इस तरह लंबे लंबे में ही मैं कट कर ली हूँ। और लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे दाल। तो आपको ये थाली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।